सन और सारे प्लैनेट्स के बीच में एक काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स है जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। इसका मतलब सूरज सारे प्लैनेट्स को अपनी तरफ खींच रहा है, जैसे तुम अपने क्रस्ट को देखकर उसके तरफ खींचते चले जाते हो। फिर पृथ्वी और सारे प्लैनेट्स सन से टकराकर ब्लास्ट क्यों नहीं हो जाते, या फिर चांद या जो सैटेलाइट्स घूम रही हैं वो पृथ्वी से क्यों नहीं टकरा जाती। रियलिटी में ग्रेविटेशनल फोर्स तो सबको अपनी तरफ खींच रहा है, फिर सारे प्लैनेट्स को आपस में टकराकर खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता क्यों नहीं। तो डार्लिंग्स और इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन जानते हैं। सारे प्लैनेट्स सर्कुलर मोशन में है, यानी सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, और सर्कुलर मोशन में एक फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लगता है जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स सन की ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। अब ध्यान से सुनो, मान लो कि सन की ग्रेविटेशनल फोर्स अभी खत्म हो जाती है तो पृथ्वी और सारे प्लैनेट्स सर्कुलर मोशन छोड़ के तुरंत सन से दूर चले जाएंगे। जैसे जब तुम एक पत्थर को रस्सी से बांधकर उसको अपने हाथों से नचाते हो और फिर पत्थर को छोड़ देते हो तो वो तुम्हारी हाथों से दूर चला जाता है। इसका मतलब जब पृथ्वी सन को रिवॉल्व कर रही है तो एक फोर्स ऐसा भी है जो लगातार पृथ्वी को सन से दूर खींच रहा है, लेकिन सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण वो फोर्स कैंसिल हो जा रहा है। जब पृथ्वी सर्कुलर मोशन में है तब जो फोर्स पृथ्वी को सूरज से दूर खींच रहा है उसी फोर्स को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो जब पृथ्वी सन को रिवॉल्व करती है तब पृथ्वी के ऊपर दो फोर्स लगते हैं, एक सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि सन की ग्रेविटेशनल फोर्स है और दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और यही दोनों फोर्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। इसीलिए पृथ्वी सर्कुलर मोशन में है, ना ही सन के पास जाती है और ना ही सन से दूर जाती है। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दबा देना लाइक और सब्सक्राइब की बटन की बात कर रहा हूँ।